R9 भारत ब्यूरो रिपोर्ट। नालागढ़ में एक व्यक्ति के साथ कुछ लोगों के द्वारा बेटे को नौकरी का झांसा देकर ठगी 6 लाख रुपए। जी हाँ, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां नालागढ़ के एक व्यक्ति के साथ कुछ लोगों के द्वारा बेटे को नौकरी लगाने के नाम पर करीब 6 लाख की धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज करके आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार ओम प्रकाश निवासी नालागढ़ ने शिकायत दर्ज कराई। इसमें कहा गया, वह और उसका परिवार कई वर्षों से राम शहर रोड दरगाह पर सजा करने जाते हैं। वहाँ पर इनको सितंबर 21 को 3 लोग संजीव कुमार 30 राज निवासी जासला और राजपुरा जिला पटियाला पंजाब और दर्शन सिंह निवासी जलालपुर राजपुरा जिला पटियाला मिले और इन लोगों ने कहा कि संजीव का परिचय इनसे करवाया और वह चंडीगढ़ हाई कोर्ट में बतौर वकील और इसके बहुत से जाने माने जजों के साथ संबंध है। उन लोगों ने कहा, इन्होंने बहुत से लोगों को नौकरी भी दिलवाई है और आपके बेटे को भी नौकरी पर लगवा सकते हैं, लेकिन इसके लिए उन्होंने इस कुछ पैसे की हमसे मांग की। साथ ही उन लोगों ने यह भी कहा कि इनके लिए पैसे के लिए जनवरी 2022 तक इनके बेटे की नौकरी हाई कोर्ट में बतौर क्लर्क लगवा दी जाएगी। उन लोगों ने इनसे करीब 6,18,000 रुपए लिए और कहा कि जनवरी 2022 तक आपके बेटे की नौकरी लगवा दी जाएगी, लेकिन काफी समय बीत जाने के बाद भी उन लोगों ने इनके बेटे को ना ही नौकरी दिलवाई ना ही उन लोगों के पैसे वापस किए। जब इनके द्वारा उन लोगों से पैसे वापस मांग की गई तो उन लोगों का कहना है वो इनके पैसे वापस नहीं करेंगे। आइए दिखाते हैं आपको पूरा मामला विस्तार से। मिस्टर ओम प्रकाश है जो न्यू नालागढ़ से है, उनकी कंप्लेंट पे ये मुकदमा दर्ज किया गया 420 का। इनकी शिकायत ये थी कि इनसे 3 व्यक्तियों ने ये बोल के कि वो चंडीगढ़ और सॉरी जो हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट है उसमें वकील है, ये बोल के और ये कह के कि उनको नौकरी दिलवाई जाएगी इनके किसी रिलेटिव को, उनसे लगभग 6 लाख रुपए लिए हैं कुछ इंस्टॉलमेंट्स में धीरे धीरे करके। तो और उन्होंने इस पर रिटर्न नहीं किया है और जो अपना कमिटमेंट था वो फुलफिल नहीं किया है, इसके लिए इस पर 420 का केस रजिस्टर किया गया। देखिए, इसमें अभी जो कंप्लेनेंट है उसे डिटेल ली जा रही है कि किन फोन नंबर से उनका कॉल आता था और वो उनसे कैसे मिले हैं और किसी अकाउंट नंबर में ट्रांजैक्शन किया है या नहीं किया है, किस मोड से पेमेंट किया है, ये सब डिटेल्स ली जा रही है। जैसे ये पता लगता है तो उसके हिसाब से आगे कार्रवाई की जाएगी। जी, उनमें से 2 लोग पटियाला से हैं और 1 जो है वो चंडीगढ़ से। देखिए, वैसे तो अब जब केस हो गया फिर तो हमारा इन्वेस्टिगेशन करना हमारा काम है ही, लेकिन जनरली मैं लोगों से अपील करना चाहूंगा कि इस तरह की कोई भी ट्रांजैक्शन अगर वो करते हैं तो किसी बहुत ही ट्रस्टवर्दी आदमी के साथ ही करें। अगर आपसे कोई अनजान आदमी मिलता है, आपको कुछ झूठे वादे करता है या कुछ भी आपको प्रोमिसेस करता है और उसके बहाने आपसे पैसे लेता है तो बहुत सतर्क रहिए और आप चाहे पुलिस में कंप्लेन भी कर सकते हैं कि इस तरह की आपके साथ मतलब ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, तो आप पहले ही बताएंगे तो आप खुद भी सतर्क रहेंगे और हम लोग भी विजिल रहेंगे। R9 भारत ब्यूरो रिपोर्ट।